बैडमैन में अक्षय कुमार की हीरोइन रही राधिका आप्टे इन दिनों ट्रॉलिंग का शिकार हो रही हैं। ट्रॉल करने की वजह बनी है गोवा में उनके द्वारा पहनी गई बिकिनी। दर्शक जब अपने मनपसंद सितारों को किसी खास किरदार में देखते हैं तो वो उसी तरह की इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं। बस यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। सितारों की निजी जिंदगी पर भी वो हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है राधिका आप्टे के साथ भी, लेकिन उन्होंने इस बात का करारा जवाब भी दिया है और दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक इंसान भी हैं और उनकी भी एक पर्सनल जिंदगी है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर राधिका आप्टे ने अपनी एक बिकिनी फोटो शेयर की थी। इस फोटो में राधिका हाथ में वाइन का ग्लास लिए नजर आई थी। उनके साथ उनका कोई फ्रेंड भी था। ये फोटो देखने के बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया था। यूजर्स ने लिखा, तुम्हें देश का यूथ भी फॉलो करता है, इसलिए कम से कम उनका ख्याल तो रखो। दूसरे यूजर ने लिखा, ऐसे किसी के साथ कहीं भी मत बैठ जाया करो। अपने विवाह अंदाज के लिए जाने जाने वाली राधिका आप्टे भला चुप कैसे बैठती। राधिका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं बीच पर थी और समुन्द्र किनारे मैं साड़ी पहनकर तो जाऊंगी नहीं। क्या लोग मुझसे इस बात की उम्मीद करते हैं कि मैं बीच पर साड़ी पहनकर जाऊं? वैसे भी किसी के कुछ कहने से मैं क्यों ट्रॉल हूं? राधिका का कहना है कि वो खुद को किसी भी इमेज में बांधकर नहीं रह सकती। लोगों को लगता है कि वो सिर्फ गांव की लड़की वाले रोल में ही दिखें तो ये संभव नहीं है। राधिका ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हॉलीडे टाइम ऑफ गोवा, समुंदर सनसेट और फ्रेंड मार्क रिचर्डसन। राधिका का ये दमदार जवाब उन लोगों के लिए एक सबक साबित होगा जो दूसरों की निजी जिंदगी में कुछ भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आए।